नेक्स्ट चैप्टर का बच्चों पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर में वो पढ़ रहे हैं अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्टनरशिप का दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है पार्टनरशिप फर्म में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये पार्टनरशिप फर्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? जैसे सपोज करो दो पार्टनर है एक्स और वाई, दो पार्टनर है एक्स और वाई, ठीक है ना। अब सपोज करो एक्स ने अपने अपने घर के पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से 50,000 रुपए की ड्राइंग करी। अब वाई को लग रहा है कि जब एक्स ने 50,000 रुपए निकाले तो मैं क्यों नहीं निकालू, तो पता चला वाई ने क्या करा 60,000 रुपए की ड्राइंग कर ली। अब एक्स को लग रहा है कि उसने 10,000 रुपए मुझसे ज्यादा निकाले तो मैं भी 10,000 रुपए और निकाल लेता हूँ। तो इस तरीके से क्या होगा, आपस में पार्टनर में कंपटीशन लग जाएगा अगर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट ना हो कि एक पार्टनर ने 50,000 निकाले तो दूसरे ने 60 निकाल लिए, दूसरे ने 60 निकाले तो पहले वाले ने 80,000 निकाल लिए, तो आपस में कंपटीशन हो जाएगा ड्राइंग्स करने का। तो ऐसा कंपटीशन ना हो उस पर लगाम लगाने के लिए ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट डाला गया किसमें, पार्टनरशिप डीड में या पार्टनरशिप एक्ट में, कि जो पार्टनर ड्राइंग करेगा उसको ड्राइंग पे क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अल्टीमेटली वो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसका बेनिफिट जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं जिन्होंने ड्राइंग नहीं करी उनको क्या मिलेगा, प्रॉफिट के रूप में मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है पार्टनरशिप फॉर्म में। ये जो ड्राइंग है पार्टनर आपस में ड्राइंग करने का कॉम्पिटिशन नहीं करे उसको रोकने के लिए। अब इस टॉपिक में अपन ये पढ़ रहे हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैंने कुछ नोट्स में केसेस बना रखे हैं। पहला केस क्या है, केस ए, कि अगर पार्टनर ने साल में ज्यादा से ज्यादा एक बार या फिर दो बार ड्राइंग करी, इससे ज्यादा ड्राइंग नहीं करी। पहला केस क्या ले रहे हैं, केस ए क्या ले रहे हैं कि पार्टनर ने साल में ज्यादा से ज्यादा कितनी बार, एक बार या फिर ज्यादा ज्यादा कितनी बार, दो बार ड्राइंग करी है बस, इससे ज्यादा ड्राइंग नहीं करी है पूरे साल भर में। तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो देखो पहला केस क्या है, केस ए, इफ देयर आर वन और टू ड्राइंग बाय ईच पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे, ड्राइंग जो भी ड्राइंग करी है इंटू रेट इंटू टाइम गैप फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग अप टू ईयर एंडेड, मतलब कि जिस डेट को ड्राइंग करी है से लेकर अकाउंटिंग ईयर एंड होने में कितना टाइम है, महीने दो महीने तीन महीने, डेज है तो डेज, वीक है तो वीक, तो उसको डिवाइड करेंगे। अगर वो ऊपर वाला जो टाइम डेट है वो आपने मंथ्स में कैलकुलेट करा है तो डिवाइड बाय क्या करोगे 12, अगर वो ऊपर वाला जो टाइम डेट है वो आपने वीक्स में कैलकुलेट करा है तो डिवाइड बाय 52, और अगर ये डेज में कैलकुलेट हुआ तो डिवाइडेड बाय क्या होगा 365। देखो एग्जांपल समझते हैं, जैसे दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, एक्स ने और वाई ने ड्राइंग करी है, इसने ड्राइंग करी सपोज करो 1 मई 2016 को, एक्स ने ड्राइंग करी 10,000 रुपए की, उसके बाद 1 जून 2016 को वाई ने ड्राइंग करी 30,000 रुपए की, और फिर 1 सितंबर 2016 को एक्स ने ड्राइंग करी कितने की 20,000 रुपए की, बस ये ड्राइंग चलिए साल भर में, कोई इसके सिवा कोई ड्राइंग नहीं हुई। तो एक्स ने तो कितनी ड्राइंग करी, एक 10,000 की और 20,000 की दो बार, और वाई ने साल भर में केवल एक ही बार ड्राइंग करी कितनी 30,000। अब सपोज करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज कर रहा है पार्टनर से 12% पर एनम की रेट से, तो ये मैंने क्या बताया फॉर्मूला क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा ड्राइंग इनटू रेट इनटू टाइम गैप। कौन सा ये टाइम गैप का मतलब कि जिस डेट को ड्राइंग हुई है से लेकर अकाउंटिंग कब एंड हो रहा है, जिस डेट को ड्राइंग हुई है से लेकर अकाउंटिंग कब एंड हो रहा है वो है ये टाइम गैप। अगर ये टाइम गैप अगर अपन मंथ्स में निकालते तो 12,
वीक्स में निकालते हैं तो 52 और डेज में निकालते हैं तो क्या आता है 365। अब जैसे हमें x की बात करते हैं, x ने सबसे पहले ड्राइंग करी थी कितने की, 10,000 की, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% पर एनम, कब ड्राइंग करी इसने 1 मई, और सपोज करो यहां पे अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है कब, 31 मार्च 2017 को, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च कितने महीने हो गए 11, 1 मई से 31 मार्च, अकाउंटिंग ईयर का खत्म हुआ 31 मार्च को, कितने महीने हुए 11 महीने, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया 1100। फिर एक्स ने वापस ड्राइंग करी थी 20,020 की, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, अभी 20,000 की ड्राइंग कब करी है 1 सितंबर को, तो 1 सितंबर से 31 मार्च सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च कितने महीने हो गए 7 महीने, तो कितना हो जाएगा 1400, ये कितना हो गया 0 2500। अब y की बात करें, y ने ड्राइंग करी कितने की 30,000 की, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% पर एनम, कब ड्राइंग करी y ने 1 जून को, और अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2017 को, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च कितने महीने हुए 10 महीने, तो कितने हो जाएंगे आपका 3000। तो जब पार्टनर साल में एक बार या ज्यादा से ज्यादा दो बार ड्राइंग करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा, ड्राइंग इनटू रेट जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है इनटू टाइम गैप, ये टाइम गैप मतलब जिस डेट को ड्राइंग हुई है से लेकर जब आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है वो, उसको अगर ये टाइम गैप मंथ्स में जो डिवाइडेड बाय 12, वीक्स में तो 52 और डेज में तो 365। अब बात आती है कि जब पार्टनर साल में दो से ज्यादा बार ड्राइंग करें, साल में दो से ज्यादा बार ड्राइंग करें तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो जब पार्टनर साल में दो से ज्यादा बार ड्राइंग करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है प्रोडक्ट मेथड से, कौन से मेथड से, प्रोडक्ट मेथड से। अब इस प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट इनटू 1/12, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट इनटू 1/12। तो जब पार्टनर साल में दो से ज्यादा बार ड्राइंग करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा कौन से मेथड से, प्रोडक्ट मेथड से, और प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट इनटू 1/12। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, देखो एग्जांपल दे रखा है,
उसके बाद फिर यहां पे आएगा प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो एग्जांपल से देखते हैं कि सबसे पहले ड्राइंग करिए कब करिए, फर्स्ट अप्रैल 2016 को ड्राइंग हुई सबसे पहले, जिसमें एक्स ने ड्राइंग करी है 1000 की और वाई ने ड्राइंग करी है कितने की, 2000 की। अब टाइम क्या मतलब कि 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च अकाउंटिंग का एंड हो रहा है 31 मार्च 2017 को, तो 31 मार्च 2017 तक कितना टाइम है, तो 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 कितने टाइम है, 12 मंथ्स। तो 1000 into 12 कितना हो गया, 12000, और 2000 into 12 कितना हो गया, 24000। फिर नेक्स्ट ड्राइंग हुई है 31 मई 2016 को, इसने ड्राइंग करी है 4000 की, इसने कोई ड्राइंग नहीं करी। अब 31 मई 2016 से 31 मार्च 2017 कितना टाइम गैप है, 10 मंथ्स का, तो 4 into 10 कितना होता है, 40000, इसने कोई ड्राइंग करी नहीं। उसके बाद फिर 1/7/2016, तो 1/7/2016 को एक्स ने तो ड्राइंग नहीं करी लेकिन वाई ने ड्राइंग करी है 5000 रुपए की, तो 1/7/2016 से 31 मार्च 2017 कितना टाइम गैप होता है, 9 महीने का, तो इसने तो करी नहीं। 5 9 कितना हो गया आपका, 45000। उसके बाद फिर 30 सितंबर 2016 इसने कितनी ड्राइंग करी है, 3000, इसने कितनी करी है, 2000। सपोज करो 30 सितंबर को इसने 3000, इसने 2000 की ड्राइंग करी है। अब 30 सितंबर 2016 से 31 मार्च 2017 कितना टाइम गैप है, 6 मंथ्स, तो 3000 × 6 कितना हो गया, 18000, एंड 2000 × 6 कितना हो गया, 12000। उसके बाद 1/11/2016 इसने ड्राइंग करी 4000 रुपए की, इसने कोई ड्राइंग नहीं करी। अब 1 नवंबर 2016 से 31 मार्च 2017 कितना टाइम गैप होता है, 5 मंथ्स, तो 4000 × 5 20000। उसके बाद ड्राइंग लिए सपोज करो 1 दिसंबर 2016 को, तो 1 दिसंबर 2016 को एक्स ने तो नहीं करी ड्राइंग लेकिन वाई ने करी कितने की, 5000 की। अब 1 दिसंबर से 31 मार्च 2017 कितना टाइम गैप होता है, कितने का, 4 मंथ्स, तो कितना हो गया आपका, 20000। इसी तरीके से फिर 31 दिसंबर 2016 को ड्राइंग ली है, तो 31 दिसंबर 2016 को ड्राइंग करी है अपने कितने की, ये अपने ड्राइंग करी है कितनी, 4000, और इसने 4000 की, इसने 1000 की, तो 31 दिसंबर से 31 मार्च कितना टाइम गैप है, 3 मंथ्स, कितना हो गया आपका, 12000, और ये कितना हो गया आपका, 3000। उसके बाद फिर नेक्स्ट ड्राइंग जो ये वो ये 1 फरवरी 2016 इसने भी 5000 रुपए की ड्राइंग करी, और इस इसने भी 5000 की ड्राइंग करी, इसने भी 5000 की ड्राइंग करी, तो 1 फरवरी से 31 मार्च कितना टाइम गैप है, 2 मंथ्स, तो कितना हो गया आपका, 10000 और 10000। फिर नेक्स्ट ड्राइंग हो रही है 31 मार्च 2017, कितनी ड्राइंग हो रही है, 6000 और 5000, तो 31 मार्च 2017 का तो मेरा अकाउंटिंग एंड ही हो गया, तो यहां तो कोई टाइम गैप है नहीं, और किसी भी नंबर को जब जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आता है, ठीक है। अब इसका टोटल करेंगे अपन, इसका टोटल आ रहा है 1,12,000 और इसका टोटल आ रहा है 1,14,000, ठीक है ना। तो अभी मैंने बताया प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होती है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट
का टोटल प्रोडक्ट कितना है, मतलब 12,000। सपोज करो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, सपोज करो इनटू 1/12 कितना आ गया इसका 1120। ऐसे y का निकालते हैं, टोटल प्रोडक्ट कितना है 1,14,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 12% इनटू 1/12 कितना हो गया 1140। समझ आ गया? तो जब पार्टनर साल में दो से ज्यादा बार ड्राइंग करेंगे तो उस केस में इंटरेस्ट और ड्राइंग इस तरीके से प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट किया जाएगा। समझ आ गया? तो दो केस पढ़िए। पहले केस में क्या पढ़ा था कि जब पार्टनर साल में एक या दो बार ड्राइंग करें, दूसरे केस में क्या पढ़ा जब दो से ज्यादा बार ड्राइंग करें। अब देखो केस थ्री, थर्ड केस क्या है केस थ्री। इस केस थ्री में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए तीन कंडीशन एसेंशियल है। क्या है वो? कि जब एक पार्टनर महीने की पहली तारीख को एक फिक्स्ड अमाउंट पूरे 12 महीने तक क्या करे, विड्रॉ करे। तो तीन चीजें हो गई कि एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने की पहली तारीख को पूरे 12 महीने तक पार्टनर ने क्या करा है, विड्रॉ करा है। तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्या इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने कि एक फिक्स अमाउंट, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, एक्स ने क्या करा हर महीने की पहली तारीख को 10,000 रुपए विड्रॉ करे, मतलब 1 अप्रैल को 10,000 निकाले, फिर 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, ऐसे पूरे 12 महीने तक इसने हर महीने की पहली तारीख को 10,000 रुपए की ड्रॉइंग करी है। तो इस केस में अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा आपका टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12। ये 6.5 क्या है? जैसे पहली ड्राइंग करी 1 अप्रैल को, तो वो पैसा कितने मैंने यूज करा 12 महीने। फिर नेक्स्ट ड्राइंग करी 1 मई को, तो वो पैसा कितने महीने यूज करा 11 महीने। तो इस तरीके उसका एवरेज अगर आप करोगे तो क्या आएगा, वो 6.5 आएगा। तो टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी, 10,000 रुपए पर मंथ निकाले, हर साल हर महीने 10,000 रुपए निकाले, तो 10,000 × 12 के हिसाब से साल भर में कितने निकाले, 1,20,000। सपोज करो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12। अब मल्टीप्लाई करेंगे अपन 1200 को, 1200 को किससे, 6.5 से, जो भी आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस डी का एप्लीकेबल होगा वापस तीन कंडीशन। केस डी में इंटरेस्ट ऑन राइट को कैलकुलेट करने की क्या है तीन कंडीशन? जब एक पार्टनर एक फिक्स अमाउंट महीने की बीच में, मतलब महीने की 15 तारीख को एक फिक्स अमाउंट पूरे 12 महीने तक रखकर विड्रॉ करता है, यानी पहली बार उसने ड्राइंग करी 15 अप्रैल को, फिर 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 नवंबर, सितंबर, इस तरीके से। हाँ, जो अपन केस पढ़ने जा रहे हैं केस कौन सा, डी। तो इस केस डी में जो मैंने फॉर्मूला दिया है, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब ये तीन चीजें एक साथ हो, कि एक फिक्स अमाउंट हर महीने की 15 तारीख को पूरे 12 महीने तक क्या होता रहा, विड्रॉ होता रहा। क्या है केस डी? इफ एनी पार्टनर विड्रॉ अ फिक्स अमाउंट एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग द होल ईयर। तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होगा टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू
6/12। ठीक है, जैसे y ये दो पार्टनर है ना, यहाँ पे y ने क्या करा, हर महीने की 15 तारीख को 5000 रुपए निकाले, यानी पहले 15 अप्रैल को निकाले 5000 रुपए, फिर 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, ऐसे हर महीने की 15 तारीख को वो 5000 रुपए की ड्राइंग करी और पूरे 12 महीने उसने ऐसा किया है। तो क्या हो जाएगा टोटल ड्राइंग 5000 × 12 करेंगे कितना आएगा 60000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% × 6/12 कितना हो जाएगा 3600। सर आ गया। नेक्स्ट केस है केस ई। ये केस ई भी तब एप्लीकेबल होता है जब एक कुछ तीन कंडीशन है वापस, जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो। कौन सी तीन कंडीशन है कि पार्टनर हर महीने की आखिरी तारीख को, हर महीने की आखिरी तारीख को एक फिक्स अमाउंट पूरे 12 महीने तक विड्रॉ करे, हर महीने की आखिरी तारीख को एक फिक्स अमाउंट क्या करे पूरे 12 महीने तक विड्रॉ करे। जैसे यहां पे तीन पार्टनर थे एक्स वाई जेड, अब जेड ने क्या करा, हर महीने की आखिरी तारीख को 2000 रुपए की ड्राइंग करता था। पहले उसने 30 अप्रैल को करी, फिर 31 मई, फिर 30 जून, फिर 31 जुलाई, 31 अगस्त, इस तरीके से हर महीने की आखिरी तारीख को वो 2000 रुपए की ड्राइंग करता था और ऐसा उसने पूरे 12 महीने तक करा। तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12। जैसे 2000 का हर महीने की आखिरी तारीख को निकालता है तो 12 महीने में 24000 रुपए निकाले होंगे। सपोज करो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 12% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, जो भी आंसर है सर आगे। तो तीनों केसेस में क्या समझ रहा है सी डी और ई में कि अगर हर महीने की पहली तारीख को अगर विड्रॉ कर रहा है और पूरे 12 महीने तक एक फिक्स अमाउंट निकालता है, तीन कंडीशन, एक फिक्स अमाउंट हर महीने की पहली तारीख को पूरे 12 महीने तक निकाला, तो टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू 6.5 डिवाइड बाय 12 हो जाएगा। हर महीने की 15 तारीख को एक फिक्स अमाउंट पूरे 12 महीने तक निकालेगा तो टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू 6/12 हो जाएगा। और अगर हर महीने की आखिरी तारीख को एक फिक्स अमाउंट पूरे 12 महीने तक निकालता है तो क्या हो जाएगा 5.5 डिवाइडेड बाय 12। समझ में आ गया। नेक्स्ट केस है केस एफ। केस एफ क्या कह रहा है, इफ लमसम ड्राइंग एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज गिवन, कि बोले पार्टनर था एक्स, उसने साल भर में 50000 रुपए की ड्राइंग करी है और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 12% पर एनम। अब ये क्वेश्चन में बता नहीं रखा आपको ये 50000 रुपए कब निकाले, पहली तारीख को, दूसरी तारीख को, दो बार में निकाले, चार बार में निकाले, किस तारीख को निकाले, ये भी नहीं दे रखा। बस ये दे रखा है कि एक्स ने 50000 रुपए की ड्राइंग करी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो कैसे निकलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा ड्राइंग कितने की ड्राइंग करी है 50000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% इंटू 6/12। डेट वेट कुछ नहीं दे रखी तो अपन हाफली इंटरेस्ट क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं। कितना आएगा आपका 3000। अगर कोई पार्टनर मतलब 6 महीने में निकल रहा है, 6 महीने निकाली, मैंने तुम्हें क्या बताया, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, बस ये दे रखा है 50000 रुपए की ड्राइंग करी है। डेट वेट कुछ नहीं दे रखी, 6 महीने में निकाली है, 4 महीने में, 10 महीने में, कुछ नहीं दे रखा। बस मेरे को क्वेश्चन में सिंपल सी एक लाइन लिख रखी है एक्स विड्रॉ 50000 ड्यूरिंग द ईयर, बाकी से सिवा कुछ नहीं है। ठीक है ना, और साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा था 12% पर। सर में आ गया। लास्ट केस क्या है, लास्ट केस है कि लमसम ड्राइंग एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, मतलब कि वाई ने ड्राइंग करी कितने की 50000 रुपए की साल भर में, कब करी, कैसे करी, कुछ नहीं, बस 50000 रुपए की ड्राइंग करी, ये दे रहा है। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है कितना परसेंट? 12%। क्या डिफरेंस है एफ और जी केस में? केस एफ और जी में क्या डिफरेंस है? सेम ही कहता हूं, सेम नहीं है। यहां पे मैंने क्या बताया था कि लमसम ड्रॉइंग दे रखी और रेट के आगे क्या लिखा है? रेट के आगे क्या दिया मैंने? पर एनम। यहां पे ये पर एनम नहीं है, केवल कह रहा है 12% की रेट से इंटरेस्ट चार्ज करना है, पर एनम नहीं है। तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? ड्रॉइंग कितने की है? 50,000 की। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%। तो कितना हो जाएगा आपका? 6,000। सही आ गया। तो अगर लमसम ड्रॉइंग दे रखी दोनों में बस ये डिफरेंस है, यहाँ पे रेट के आगे परिणाम था, यहाँ पे रेट के आगे परिणाम नहीं है। तो रेट के आगे परिणाम होगा हाफ ही निकालेंगे, और परिणाम नहीं है तो सीधे जो भी ड्रॉइंग है इनटू रेट अपॉन 100 कर देंगे। सर भाई, तो इस तरीके से पार्टनरशिप फॉर्म में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कैलकुलेशन की जाती है। सर आगे सर, आगे सर।